नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है रौनक ब्लॉग्स में। आज हम बात करेंगे इसरो चीफ के सिवन के बारे में, जिनकी देखरेख में चंद्रयान 2 जैसा कठिन मिशन किया गया। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने जैसे ही इसरो चीफ के सिवन को गले लगाया, वह वीडियो देश और दुनिया में वायरल हो गया। हर कोई यह जानने को आतुर हो उठा, आखिर कौन है यह के सिवन, कैसे वह यहाँ तक पहुँचे। आइए जानते हैं इसरो चीफ के सिवन के बारे में। के सिवन का जन्म 14 अप्रैल 1957 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले में एक बेहद ही साधारण परिवार में हुआ था। उस समय सिवन का परिवार पैसे की तंगी से गुजर रहा था, इसीलिए सिवन के दूसरे छोटे भाई बहन उच्च शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाए। सिवन की शुरुआती शिक्षा गांव के ही एक सरकारी स्कूल में हुई और वह तमिल माध्यम में हुई, और हाई स्कूल की उन्होंने तमिल माध्यम में ही पूरी की। अपनी पूरी स्कूली शिक्षा के दौरान सिवन अपने पिता की खेती में भी मदद किया करते थे। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन मदुरई यूनिवर्सिटी में गणित में की। इसी दौरान उन्हें गणित में 100% अंक मिला करते थे। उन्हें 100% अंक मिलते देख उनके पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा की अनुमति दे दी। इसके बाद सिवन ने 1980 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से एरोनॉटिक्स में इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद बेंगलुरु के भारतीय विज्ञान संस्थान से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया और वह वहीं पर इसरो से जुड़ गए। इसरो में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदभारों को संभाला और अपने कर्तव्यों का सफलतापूर्वक निर्वहन किया। इसी बीच उन्होंने आईआईटी बंबई से 2007 में पीएचडी भी कर लिया। फिर 2018 में उन्हें सीधे इसरो प्रमुख नियुक्त कर दिया गया। अपने एक इंटरव्यू के दौरान सिवन ने बताया था कि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई तक वे कॉलेज धोती पहनकर ही जाते थे। पहली बार शर्ट पैंट उन्होंने मद्रास से इंजीनियरिंग करते समय पहनी। के सिवन कहते हैं, भले ही चंद्रयान 2 पूरी तरह से सफल नहीं हो सका, लेकिन इसका इसरो के आने वाले प्रोजेक्ट्स पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अगले कुछ वर्षों में इसरो ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट्स करने जा रहा है जो इसरो को दुनिया के सारे स्पेस एजेंसियों में सबसे आगे खड़ा कर देगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है इसरो द्वारा 2022 तक अंतरिक्ष में मानव भेजना। हमारे प्रधानमंत्री भी कई बार इस बात का जिक्र कर चुके हैं। हम ऐसे ही इसरो के कई आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे अपने अगले वीडियो में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।